ಸಯದಾಸ್ತೆ ಚಿದಾಲ್ಲಾದ ಮಾತ್ರಾನುಭವತಲ್ಲಯ ತದಿಚ್ಛಾ ತಾವತಿ ತಾವತ್ ಜ್ಞಾನಂ ತಾವತ್ ಕ್ರಿಯಾ ಹಿ ಸಾಂ ಸುಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಕ್ತಿ ತ್ರಿತಯ ಸಾಮರಸ್ಯೇನ ವರ್ಧತೆ ಚಿದ್ರೂಪಾಹ್ಲಾದ ಪರಮೋ ನಿರ್ವಿಭಾಗ ಪರಸ್ತದಾ ಸಶಿವ ಅಶಿವ ಐಕ್ಯತಾಗೆ ಅಖ್ಯಾತಿ ವಯೇಕಮೇವ ಅದ್ವಿತೀಯ ಇಸ್ ಬಾತ್ ಕಾ ಅಜ್ಞಾನ ಹೋನೆ ಸಾರ ಜಗತ್ ಭಾಷಿತ ಹೋತಾ ಹೈ ದ್ವೈತ ಭಾಷಿತ ಹೋತಾ ವಿಭ್ರಾಂತಿಮಯ ಯ ಸಂಸಾರ ಕಿ ಅವಸ್ಥಾ ಔರ್ ವ ಜಬ್ ತಕ್ ಉನ್ಮೇಷ ಕೋ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೋತಾ ಹೈ ಜಬ್ ತಕ್ ಉನ್ಮೇಷ ಕೋ ಪ್ರಾಪ್ತ ನಹಿ ಹೋತಾ ತಬ್ ತಕ್ ದಾಶಿವ ರೂಪ ಹೈ ಜಾ ಉಸ್ಕೋ ಉನ್ಮೇಷ ಹೋ ಗಯಾ ಆಪ್ ಜೊ ಹೈ ಪಶು ಹೋ ಜಾತೆ ಹೈ ಜೊ ಪತಿ ತಾ ವೋ ಪಶು ಜೈಸೆ ಹೋನೆ ಲಗತಾ ಔರ್ ಉಸ್ಮೇ ಕ್ಯಾ ಸ್ಥಿತಿ ಆತಿ ಹೈ ವೋ ಬತಾ ಹೈ ಯದಾ ಜಬ್ ಚಿದಾಲ್ಲಾದ ಮಾತ್ರಾನುಭವತಲ್ಲಯ जो स्वतंत्र मुख्य शिवता थी वह चिद आह्लाद रूप था, चैतन्य और आनंद रूप था। चैतन्य आनंद मात्र अनुभव रूप यह शिव में तत्रैव लय अनुभवतल उस मात्रानुभूति स्वरूप चित्त और आनंद मात्रानुभूति रूपा इस परम परमात्म स्वरूप शिव में ही लय हो जाता है। जब उनमें से नहीं रहता तब उसी में लय हुआ रहता है। इसे वेदांति भी क्या कहते हैं, ये प्रलय काल में कहां रह गए सब जगत, सब कुछ माया का पेट में चला जाता है, माया में सब लीन रहता है, वहीं रहता है। इसे सदैव समिदम अग्र आसीत, यह जगत उत्पत्ति से पहले सत ही था, मैंने आत्मरूपेण ऐक्य था, आत्मैक्य रूपता को प्राप्त हुआ था, उसी में लय था। जब यह लय में था ये सब के सब, तब तो शिव ही था। लेकिन हाँ नहीं नहीं उसके बाद बात करेंगे ना आगे, फिर सत कैसा है वो बाद में बात आएगा। उत्पत्ति दृष्टिया कहना पड़ता है, जगत उत्पत्त हुआ है ना, जिसको जगत उत्पन्न हुआ है उसको तो कहना ही पड़ेगा, कहाँ था वो, कैसे था, कहना पड़ेगा। माया में था, माया कहाँ थी, माया कहाँ रहती है, आत्मा में, कहना पड़ेगा ना। कहाँ जाओगे, आओगे तो घूम फिर के वहीं उसी बात में। हाँ, जिनके लिए जगत पैदा ही नहीं, वो बात अलग है, ये तो उसकी बात कह रहा है। तद इच्छा तावती तावत ज्ञानम तावत क्रिया ही सा तावत प्रकाशत्वात् तदेव ज्ञान, तावत ज्ञान मने तावत प्रकाशत्वात्, वह आत्मा प्रकाश रूप होने से वह आत्मा ही ज्ञान है, वही क्रिया है, वही इच्छा भी है। इच्छा भी आत्मा ही है, क्रिया भी आत्मा ही है, ज्ञान भी आत्मा है, इच्छा ज्ञान क्रिया तीनों आत्मा है। मैंने आत्मा से अलग कुछ नहीं, शिव से अलग कुछ नहीं, शिव ही इच्छा रूपेण पहले प्रकट हुआ। एकोम भूष्याम प्रजा ये यो, शिव में ही इच्छा हुई है। औस या आस ही है ना, और क्या है शिव, शिव को अपने आप का भान हुआ तो आ हो गया, अ में अ को अ का ही बोधना, अ को अ से जोड़ क्या हुआ, आ हो गया। जब स्व के स्व का बोध उसका आनंद रूपता भान हो गई, इन्हों के बाद ना जो आनंद रूपता भान हुआ उसने सोची इस आनंद को हम किसे बांटे, कहां जाए, क्या करें इस आनंद का, एक इच्छा जगी, मन इच्छा जगी, इच्छा जगी, उसने ईक्षण कर दिया, दीर्घी क्षण हुआ, संकल्प कराओ ने धूम में उत्पत्ति हो गई, फिर उत्पत्ति शुरू हो जाती।
ये जो इनकी शैव प्रक्रिया है इसके अनुसार एक करे, इसलिए वास्तव में शिव ही इच्छा है। जो कुछ भी इच्छा है वो शिव ही है। तद इच्छा तावती और तावत ज्ञानोपि तदेव तावत क्रियापि स एव। तो जो इच्छा हुई वो भी वही है, फिर ज्ञान हुआ इस इच्छा की वजह से वो भी वही है, ज्ञान की उसने क्रिया करी वो भी वही है। फिर ये सारे कहां से आए? सूक्ष्म शक्ति त्रितय, एकदम सूक्ष्म तीन शक्तियां मुख्य हैं, सृष्टि स्थिति और लय। इनकी सामरस्य न वर्तते, लेकिन ना क्या हो जाते तीनों शक्तियां प्रलय काल में सृष्टि उत्पत्ति पूर्व काल में सामरस्य में रहते, इस समय जो स्थिति प्रधान है सृष्टि नहीं हो रही, सृष्टि जो होना तो हो गया, अब ये स्थिति काल सृष्टि कौन हो गई, लय भी इसमें लुप्त है नहीं, स्थिति काल चल रहा है, ये प्रधान स्थिति शक्ति काम कर रही है ज्यादा, और अन्य कम थोड़ा थोड़ा मेंटेन करने के लिए जरूरत पड़ता है ना, बनाए रखने के लिए थोड़ी बहुत सृष्टि हो रही है, कहीं निग्रह भी हो रहा है कहीं अनुग्रह भी हो रहा है, थोड़ा थोड़ा चल रहा है, प्रधान है यहाँ सामर्थ्य नहीं है। जगत काल में जब भी जगत है नहीं, जैसे वो लोग कहते हैं ना आपके सांख्य क्या है, गुणों का साम्य अवस्था, सृष्टि से पहले क्या थी, गुण साम्य अवस्था में थी सारे गुण, विषम अवस्था हुआ जगत पैदा हुआ। इसे शक्तियों की सामरस्य क्या, ये क्या है सृष्टि से पूर्व काल, यही शक्ति जो विषम रूप का धारण कर लेंगे ये सारा काम शुरू हो गया सृष्टि कारण रूप से, तो बात वही है वो कारण का नाम दे दो एक और कोई बात नहीं। छिद्रूपा लाद परम यदा इस रूप से है तदा, यदा तदा अनुभव करो, यदा इस रूप में रहता है मैंने सब कुछ अपने में समाहित होकर के समाविष्ट होकर के एक ही भूत होकर रह रहा है, बाह्य जगत कुछ उत्पन्न ही नहीं है, यदा तदा स शिव कैसा होता है, छिद्रूपा लाद परमो, छिद्रूप और आह्लादता की परम निर्देशित प्राप्त हो गई, परमानंद रूपता नित्य चैतन्य रूपता और निर्वभाग विभाग रहित परह आस्ते अन्वय हो जाए, तदा परह आस्ते ऐसा वह शिव रहता है। मैंने कहने का मतलब इनका है एकमेव अद्वितीय अवस्था में भी सृष्टि अंदर छिपी है तभी जाकर के बाद में आ पाएगी, नहीं तो कहां से आएगी, जो है नहीं आ कैसे सकता है, पर असत है असत से सत उत्पत्ति हो जाएगा, सब उसमें ही था। इसलिए वहां पर सृष्टि के दृष्टिकोण से कहा जाता है सब कुछ ब्रह्म में ही था, ब्रह्म से ही निकला, ब्रह्म का विवर्त क्यों कह रहे हैं आप, ब्रह्म में भी नहीं था तो विवर्त कहां से आ जाएगा, ये ब्रह्म में नहीं है वहां से विवर्त कैसे हो जाएगा, अभी शक्ति विशिष्ट की वर्तमान ही है, इसलिए आप शक्ति विशिष्ट तो कर ही रहे हैं, शक्ति विशिष्ट होकर के विवर्त है, और शक्ति क्या है विशिष्ट कह रहे हो, वास्तव में उस विशिष्ट हम लोग कह देते हैं दो हो तो विशिष्ट विशिष्ट भाव हो गए, माया अलग है क्या ब्रह्म से, तो ब्रह्म माया से विशिष्ट कैसे कर देंगे, ये तो समझाने के लिए जो शब्दावली प्रयोग करना पड़ता है, नहीं तो माया अलग कुछ है ही नहीं, भाई दो चीज होंगे तब नहीं इससे वो विशिष्ट हो जाएगा, द्वैत आ जाएगी, वास्तव में माया है नहीं न जगत है, लेकिन जिसको समझाना है उसके लिए तो ऐसे ही बताना पड़ेगा, पहले तो नहीं तो कहे घड़ा कहाँ जाए, हवा से निकालो घड़े को बोले हो, मिट्टी कहाँ ला रहे हो, ये मिट्टी में घड़ा है इसलिए मिट्टी से घड़ा बनती है, इसलिए उसको भी कहना पड़ेगा हाँ भाई ये बात तुम्हारे सामने ठीक है, इसलिए हम भी कहते हैं फिर जगत आत्मा में बात करते हैं, शिव जी में सारा जगत और शिव जी से ही जगत निकलता है, शैवाद्वैत में कहना पड़े ब्रह्माद्वैत वो कहेंगे ऐसा शैवाद्वैत ये अंतर का है वो आगे जाके समझ में आएगा, दोनों में फर्क है, अभी तो सब एक जैसा चल रहा है मामला, आए फर्क करते देखे आगे आएगा। टीका देखिए, शिव की आख्याति रूप भ्रांतिमय संसार अवस्था
यावन नवन मिशति है ना, शिव की ऐक्यता की आख्याति रूप जो भ्रांतिमय संसार की अवस्था जब तक उत्पन्न नहीं हुई, उन्मेष मैंने उत्पत्ति प्राकट्य नहीं हुआ प्राकट्य, तब तावदपि तावत ये उक्त रूप शिवता उतनी ही वहां पर उसकी शिवता बनी रहती है, तब तक उसकी पूर्ण शिवता बनी रहती है। जा उन्मेष आ गया वो शिवता डगमगा जाएगा, कहने का मतलब यही हुआ मैंने वो पशु हो जाएगा। वो शिव ही पशु जड चित्त विभाग रूपेण भाषित होने लगे, तावती एव उक्त रूप शिवता, तावदपि तावती ना, वहां पर तावती शब्द है ना, वो दूसरे जो उत्तरार्ध है पहला श्लोक के उत्तरार्ध तदिच्छा तावती, वो तावती को लेना, स तावती एव उक्त रूप शिवता, उतने समय तक ही उक्त शिव रूपता में रहता है। तावत्येव का भी टिप्पणकार चार दे रहे कथित व्याप्ति का, पूर्व में पूर्व श्लोक में कथित जो व्याप्ति बताई गई सर्वव्याप्ति वो बनी रहती है। तथा च शक्ति पंचकम अपि तदानीम एक रूपम अपि, आ गया ना ये शक्ति पंचक है ये भी उस समय क्या है एक रूपम अपि व्यवहार अपेक्षा कार्य संभवाद अस्त्येव, आ गया ना व्यवहार की अपेक्षा से कहा जाएगा वो भी वहां रहती है अंदर छुपचाप बैठी रहती है शिव में। ये सारी व्यवस्था जगत जिसको दिख रहा है जगत मानने वाले अज्ञानी को समझाना पड़ता है उसके लिए ये कहनी पड़ती, सब व्यवहार अपेक्षा चाहे वेदांत हो चाहे कहीं भी एक द्वितीय में यही मामला बनती है। जैसे कोई भी गणित होता है बार 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 क्या बोलते हैं आप पहले लेट इट बी एक्स, ऐसे मान लो ये माया है कोई वो क्या करें उससे सारा पैदा होती है। हाँ अच्छा अच्छा बोले ठीक ठीक माया है माया से पैदा मान लिया जाए माया सावयव है सगुण है सब कह दो उसको जो है ही नहीं कल्पित वस्तु के लिए चाहे जितना भी गुण आदरण कर उसकी जितनी भी आप गुणगान कर लो क्या फर्क पड़ना है। ब्रह्म में तो कुछ नहीं निर्गुण निराकार निष्क्रिय निर्विधा बोल दो माया में वो सगुण साकार सावय सक्रिय सब कुछ है जो है ही नहीं उसमें सब कुछ है जो है उसमें कुछ नहीं। यह वैचित्रता समझने कठिन हो जाता है। शुरू ऐसे करना पड़ता है कोई भी शास्त्र को क्या करे वेदांत में ऐसे ही होता है। कार्य संभवाद अस्त्येव वही करे व्यवहार अपेक्षा कार्य संभवाद अस्त्येव कार्येण कारण अनुमान इत्यर्थ आगे ना टिप्पण पांच कार्य के द्वारा कारण का अनुमान किया जाता है। जगत रूपी कार्य देखने से हमें कारण मानना पड़ रहा है शक्ति है वो पांच प्रकार की जो शक्ति जो यहाँ दिख रही है कार्यकाल में वो कारण काल में कैसा रहेगा एक रूप कर सारे पांचों शक्तियां एक ही भूत और एक शक्ति रूप में वहां रहती है। तथा ही परा पर अवस्थायाम इसलिए पर और अपर दोनों ही अवस्थाओं में जो वह यह मैं हूं यो अहम इति स प्रत्यमर्षात्मा प्रकाश ऐसा जो प्रत्यमर्श प्रतिविज्ञा हुई वही मैं हूं करके वो क्या है वो प्रकाश रूप आत्मा ही है। सैव पर अनपेक्षा पूर्णत्वाद आनंद रूप निवृत्त चिन्मय स्थित एव वही जो है अन्य की अपेक्षा लिए बिना अपने आप में पूर्णत्वाद आनंद रूप है अपने आप में पूर्ण होने से वो आनंद रूप है सिद्ध चिन्मय स्वरूप है वो ऐसे स्थित है। सैव स्वतंत्र मुख्य शिवता यही मुख्य स्वतंत्र शिवता है। तदुक्तम उस बाकी श्लोक में किन शब्दों से कहा चिदाह्लाद ये दो शब्दों से चित और आह्लाद पूर्ण स्वतंत्र चैतन्य रूपता और पूर्ण आनंद रूपता उसी समय अनुभव होता है जब कुछ भी जगत नहीं है। द्वैत का शमन हुए बिना अद्वैत का वास्तविक अनुभूति नहीं हो सकती और द्वैतोपशम बार बार इसलिए मांडुकी कार्य का द्वैतोपशम द्वैतोपशम कैसे करें द्वैत का उपशम जीते जी हो सकता संबंध खत्म कर द्वैत है क्या ये तो समझाया जीव सृष्टि
पंचदशी कारण क्या समझा है, ईश्वर सृष्टि आपको कुछ नहीं बिगाड़ रहा है, तुम्हारे जीव सृष्टि तुम्हारे उसको बिगाड़ रहा है। कारण वो जीव सृष्टि खत्म कर दो, तुम्हारी मानव सृष्टि जो है मैं और मेरा इसको खत्म कर दो, तद्वय तो क्षम हो जाए और रहते हुए भी नहीं। जैसे बच्चों को लेते हैं बता तो पा, खेल में क्या होता है, बड़े बच्चे खेल रहे हैं तो किसी का छोटा भाई आ गया और रोता है, मेरे को खेलने दो, मैं ठीक है तुम भी खेलो, लेकिन पहले आपस में नहीं तय हो जाता है ये क्या छक्का मारे क्या आउट हो जावे, इसका कोई गिनती का नहीं, खेलेगा जरूर, बॉल फेंका जाएगा छक्का भी मार देगा, छोड़ देंगे उसको चौखा जाने दो, खुश करना ना बच्चे को, छोड़ देंगे हाँ अगर तुम्हें चौखा मार दिया हाथ ताली भी बजा दे खुश हो जाएगा बच्चा, बस हो गया तुम्हारे रिटायर्ड जाओ, और सारा खेल लिया छक्का चौका जो भी मारा कोई गिनती का है। इधर से जो क्यों कारण क्या है वहां, उसको दोनों टीम में से कोई भी टीम वाला मेरा सदस्य हमारे टीम का एक सदस्य ऐसा नहीं पकड़ा, ये जो आउट हो जाए जो छक्का मार जाए कोई फर्क नहीं, अब मेरा करके पकड़ेंगे फिर तो फर्क पड़ेगा, वैसे यहां पर भी हम मेरा करके पकड़ लिया ना तो सारा गड़बड़ो, अब मेरा करके मत पकड़ो खेल चलने दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी जैव सृष्टि जो है जीव जो सृष्टि बनाया है इसने मानव से संबंध जोड़ा है, मानस आकार जो सृष्टि का अपने अंदर बैठा हुआ है ये हमारे लिए बंधन का कारण बनता है। यहां भी पहले आता ना मन योग कारणम बंध मोक्ष समझाया था, इसलिए कहते हैं कि भाई अनुभव चिदालाद इति पूर्ण चिदानंद मात्रे, है ना, चिदालाद माने पूर्ण चित और पूर्ण आनंद, उस मात्र में अनुभव हुआ, माने अपने स्वरूप का हमें क्या अनुभव हो रहा है, केवल चैतन्य केवल आनंद और कुछ नहीं, ऐसे अनुभव प्रकाशनम, ये प्रकाशन कहां होगा, न तो बाह्य, बाह्य द्वैत करते हुए नहीं होगा वहां पे, तथैव इसीलिए तत्रैव तत्र आदो परापरवस्थाया चिदानंदताम समर्थयति, सात नंबर टिप्पणी देखो, तथैव चिदानंद मात्र व्यतिरिक्तस्य भिन्न ज्ञान अभाव, आ गया ना, चिदानंद मात्र से भिन्न भिन्न ज्ञान वाला करके कोई अलग नहीं है, इसलिए प्रकाश तत्रैव लयश्च, उस प्रकाश रूपता अजो अपना स्वरूप में ही उस समय यह सारी सृष्टि का लय मानना पड़ेगा, इस द्वैत का लय हो गया। जब ऐसा होता है तब यदा तदा समझो ना, स यदा आस्ते श्लोक शुरू है यदा और अंतिम शब्द है परस्तदा, श्लोक का अंत में दोनों श्लोक के अंत में है ना, यदा तदा कैसे घटा, जब ऐसा होता है तब वो पर और निर्भाग रहता है, यस्य स ऐसा भौरी समास तथा इति एक पद है चिदाह्लाद मात्रानुभव तल्लय, यह पूरा समास का एक ही पद समझना, अनेन निर्वृत चित कथिता, इस प्रकार से पूर्व श्लोक में जो आया था ना निर्वृत चित करके, उस निर्वृत चित जो दूसरे श्लोक का द्वितीय पाद में था आत्मैव सर्वभावेषु स्वरं निर्वृतचिद् विपुः आया था ना, उसमें उस निर्वृतचिद् की ही एक तरह से व्याख्या है, समझो कथन हो गया। अब रही बात फिर इच्छा ज्ञान क्रिया क्यों हो गई इस आत्मा में, पूर्ण आनंद था पूर्ण चैतन्य था मैंने मजे मस्त में रहना चाहिए था कोई सब आ गया बीच में, कहते हाँ इच्छा ज्ञान क्रियास्तु भिन्न विषयाद्यपेक्षया स्फुटी भवन्ति, वास्तव में इच्छा ज्ञान क्रिया ये सब आत्मा से अलग है नहीं, ये आत्मा से अलग कुछ भाषित होता है आपको इच्छा ज्ञान क्रिया, तो समझना वो भाई विषय की अपेक्षा से, नहीं तो शैव इच्छा शैव ज्ञान है, शैव जो है आपकी क्रिया है वह भाषित हो ही नहीं सकता, वह एक रूप होगा वह अनंत रूप नहीं रहेगा, इसे कहते हैं ये जो इच्छा है जो ज्ञान है जो क्रिया है भिन्न विषयादि अपेक्षा, शिव से भिन्न जो विषय है इन विषयादियों की अपेक्षा से आपके अंदर इच्छा ज्ञान क्रिया होती है, स्फुटी भवन स्पष्ट भाषित होने लगता है,
परावस्थाएं पुनः पूर्णोहम इत्येव स्वस्वभाव प्रकाशते, और उस परावस्था में तो पूर्णो अहम करके स्वस्वभाव भाषित हो रहा है, वहां न इच्छा न ज्ञान न क्रिया होगी। तावत प्रकाशत्ता तदेव ज्ञानम, सब ज्ञान क्या होगा वहां, वो आत्मा ही ज्ञान है और कुछ है नहीं। तो तावत ज्ञान माने तावत प्रकाशत्ता, क्योंकि वह प्रकाश रूप ही होने के नाते वही प्रकाश ही वहां पर ज्ञान है, मैंने आत्मा ही शिव ही ज्ञान है। और संरंभ रूपत्वात् सैव क्रिया, समरण स्वात्म इच्छा स्वात्म उच्छलता, स्वात्मा की उच्छल द्रुपता, स्वात्मा की उच्छल द्रुपता क्या है, उच्छलता मैंने स्वात्मा क्या है, आनंदानुभूति जो होती है, आनंद उद्रेक जो अनुभव में आता है उसको स्वात्म उच्छलता कहते हैं, उसको कहते हैं संरंभ रूपत्वा, संरंभ क्रिया रूप है वो, आनंदाभिव्यक्ति भी एक क्रिया है। कई बार क्या होता है उस आनंद को हम लोग अनेक प्रकार से प्रकट भी करते हैं, अपने अंदर आनंद हो रहा है यानी आनंद हम बाहर से क्या है हजे खुश हंसते हुए दिखाएंगे, न मुस्कुरा देंगे, प्रसन्न चित्र रहेगा, चेहरा दिखेगा, यहाँ नाचेगा कोई, अनेक प्रकार से आप उस आनंद को क्रिया के द्वारा अभिव्यक्त, इसीलिए यहाँ उस चित की जो उच्छलता है उसको संरम्भ शब्द से मैंने क्रिया के माध्यम से प्रकट करने की बात, और है क्या वो, वह अभी शिव रूप ही है अलग नहीं, कि उस अवस्था में विषय नहीं रहा ना, विषय निरपेक्ष जो है उस समय में वो सब कुछ शिव रूप ही होता ही दिखाना चाहता है। सैव क्रिया तत्स्वभावत्वेन तदभिगमाद इच्छा की स्थिता है वैद्या आगे ना, क्योंकि उसके स्वभाव है वो आनंद रूपता, उसी को उसने स्वीकार किया अनुभव किया है, इसलिए इच्छा भी स्थिता मन नित्या ही है, इत्याह तद इच्छा तावती थी, इसको श्लोक में कहा तद इच्छा तावती तावच्छ स्वरूपम क्रिया इति योज्यम, ये तावत क्रिया हिस्सा है ना आगे में, उसको तावच्छ स्वरूपम एव क्रिया, तावत मने स्वरूप ही है क्रिया जो, उसे कहते हैं यह तावत क्रिया। अथवा इन सब शब्दों को दूसरे ढंग से भी घटा सकते हो, कैसे, तावत ज्ञानमिति तावत शब्द क्रियायाम स्त्रीलिंग परिणमनीय, सब जगह तावत शब्द को स्त्रीलिंग बना लेना, तावती सब जगह तावती बना लो उसको, क्या करोगे ऐसे करके द्वितीय स्तंते तावत शब्द क्रमार्थ, और क्रम अर्थ में लेना इस चीज को, क्रम अर्थ क्रमार्थ, द्वितीयस्तु अंते दूसरे का दूसरा जो अंत में है उस तावत शब्द को क्रम अर्थ में लेना है, परापराध अवस्था अपेक्षा, क्यों ऐसे कैसे होगा, भी पर और अपर भेद की अवस्था जो चल रही है जिस संसार में अनुभव में आता है, परावस्था और अपर अवस्था, इन दोनों की अपेक्षा से जो परापर ब्रह्म कहाँ कल्पित है सर शुद्ध में, जैसे परापर अवस्था शिव की सब कहाँ है अनुत्तर पद में रहता है, इसलिए इन दोनों की अपेक्षा से पूर्व को कथन करने के लिए हम सब जगह तावत शब्द को प्रयोग करते हैं। अतएव भिन्न विषया भावेति, यहां पर परावस्थायां क्रमाभाव है ना, क्योंकि वहां कोई क्रम ही नहीं होता, विषय काल में क्रम होता है और निर्विषय काल में कोई क्रम नहीं होता, इसलिए उसको लिया गया। अतएव भिन्न विषया भावेति अभ्युपगम प्रकाश संरंभाणाम सर्वदा, से भिन्न विषय का न रहने पर भी शिव से भिन्न अभी जगत उत्पन्न नहीं हुआ उस दिशा में भी अभिगम ही रहेगा। अभिगम क्या है, नीचे टिप्पणी चार में देखिए, अभिगम माने इच्छा, प्रकाश माने ज्ञान, संरम्भ माने क्रिया, ये सारी चीजें सर्वदा प्रकाश में तेन अविचलनाद इच्छादि व्यवहार योग्यता एव इत्युक्तम सुसूक्ष्म इति, उस समय क्या है सर्वदा ही प्रकाशमयत्वेन प्रकाशमयता ही रहती, आत्मा को प्रकाशमय ही मानते, चैतन्य रूपता भी विषयापेक्षा है, आनंद रूपता भी विषयापेक्षा बोल रहे हैं, इन वास्तव में कैसा है प्रकाश, क्यों प्रश्न में क्या दिव्य प्रकाश कुंजाया बोलते, मैं स्तोत्र में अनलव पूछा शब्द प्रयोग, सब जगह इसको इस तरह से व्याख्या की जाती है, यहां भी कह रहे हैं प्रकाशमय रूपता के कारण से,
और उस प्रकाश में त्वेन अविचलन, उसे विचलित कभी होता भी नहीं। अविचलना जो इच्छा आदि की व्यवहार की योग्यता उसमें रहती है, इसे इच्छा के ज्ञान की क्रिया की सबकी योग्यता वहां छिपी हुई है। इसी बात को संकेत करने ने क्या कहा, सूक्ष्म शक्ति तृतय सामरस्येन वर्तते। सूक्ष्म शक्ति तृतय माने आपकी इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, यूं भी लीजिए, इच्छा शक्ति से सृष्टि, ज्ञान शक्ति स्थिति और क्रिया शक्ति से लय, तीनों का संकेत हो गया। स्थिति सृष्टि स्थिति लय ले लो, चाहे इच्छा ज्ञान क्रिया ले लो, इच्छा ज्ञान क्रिया, वही शक्ति त्रय ये तीनों की सामरस्य वर्तते। इसी सुसूक्ष्म सबसे संकेत किया, सुसूक्ष्म सूक्ष्मतर स्थूल दर्शिना, ये सूक्ष्मता क्यों कह रहे हो, सुसूक्ष्म क्यों कह रहे हो, इसीलिए हम जो है लोग जो स्थूल दर्शी है, स्थूल को ही देखने की आदत वाले हम लोग है ना, उन लोगों को समझाने के लिए श्रुति और स्मृतियां क्या कहती हैं, उस अवस्था को सूक्ष्म अवस्था कहते हैं, स्थूल कार्य दृष्टिया उस कारण को सूक्ष्म कहा जाता है, कारण अवस्था को। इसलिए सूक्ष्म क्यों कहा, वही कहती चट्टीपन छह में सूक्ष्म यही वत्र स्थूल दर्शिनाम विशुद्ध बोधात्मक वातवादी नाम विकल्प पक्षीकृत विमर्शानाम भ्रांति रित्यर्थः, कि वास्तव में स्थूल भी भ्रांति है सूक्ष्म भी भ्रांति, इन अभ्यस्त हम जैसे हैं उसके आधार पर समझाने के लिए बात कही जा रही है। पहले विशुद्ध बोधात्मवादी नाम, विशुद्ध बोध मने ज्ञान के आत्मवादियों के दृष्टिकोण से विकल्प पक्षीकृत विमर्शाना, जिन्होंने विकल्प करके पक्षीकरण कर दिया किसको, विमर्श को भी, ऐसे लोगों की जो भ्रांति है उस भ्रांति को ध्यान में रखते हुए ये हम लोगों को इस अवस्था को क्या कहना पड़ता है, सूक्ष्म कहना पड़ता है। अतएव आगे वापस टीका में सूक्ष्मत्वम एषितव्याद्यभावेन, इसलिए सूक्ष्म कहा जाएगा, ये शितव्य मन इच्छा का विषय का ही अभाव है। इच्छा करे तो किसकी इच्छा करे, कोई चीज होवे तो उसकी इच्छा करें, अभी सृष्टि पैदा ही नहीं हुई तो इच्छा किसकी की जाए, इसलिए ये शितव्य का अभाव होने से ये कहा गया इच्छा ज्ञान और जो क्रिया रूपी शक्तियां सूक्ष्म रूपेण उसमें छिपी रहती हैं, विभाग अपरिकल्पना, विभाग के बाद परिकल्पना नहीं हुई अभी, अतएव शक्ति सामरस्य पूर्ण चिन्ह मात्र प्रकाशनात्मकता, इसीलिए शक्ति की सामरस्यता कह दी गई, अगर सामरस्य करना, इसलिए क्या है वहां सामरस्य से क्या करने देना है, अरे पूर्ण चिन्ह मात्र प्रकाशनात्मकता, उस पर हमें पूर्ण चैतन्य पूर्ण प्रकाश मात्र की प्रकाशन होता है, इसी को चित रूपाह्लाद प्रथम करके दो बार अंत में जो कहा है, पहले चिदाह्लाद था और अंत में चित रूपाह्लाद कहा, दोनों एक ही है, जान के पुनरावृत्ति को हटाने के लिए रूप शब्द जोड़ दिया था, पहले उसी को चित रूपाह्लाद प्रथम च उत्तम, चित रूपाह्लाद भी कहा और परमत्व भी कहा, वही परम है, परम माने निरतिशय, सैव च निर्विभागता, ऐसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, निर्विभाग और परावस्था पर, यदा एवं अस्ति पर तदा इत्युक्ता, इससे अन्वय कर दें ऊपर में जाए तो यदा, यदा एवं अस्ति बीच का सारा विशेषण ले, यदा एवं मैंने बीच में जितने विशेषण दिए गए ये सारे चीज जब ऐसा हुआ करेगा तदा शिव पर आ, तब मान लो शिव का वह परम स्वभ अवस्था है, निर्विषय अवस्था है, अनुत्तर स्थिति है, समझ लेना चाहिए, इत्युक्ता ये बात कही गई है, ठीक है। ये तो हो गया उस अद्वैत अवस्था के वर्णन आपने कर दी, अन्य दशायाम अपी द्वैत अवस्था में भी, लेकिन अन्य दशा क्या होगा, अद्वैत की अपेक्षा से द्वैत, अन्य दशायाम अपी नीचे घटपट भेद प्रता रूप आयास, अगर नीचे
सात नंबर टिप्पण, हमेशा टिप्पण नंबर आते तुरंत दृष्टि नीचे जानी चाहिए, हमें बार बार बोलना पड़ता है, आप लोगों की दृष्टि जाना चाहिए, सात नंबर आया तुरंत नीचे जाओ, हम नहीं जाए तो आप जाए। घटपटादि रूप भेद प्रथा रूप आयास, अन्य देशों का मतलब क्या है, घटपटादि भेद रूप का जो आयास हो रखा है, प्रयास पर उत्पन्न हो रखा है, विस्तार हो रखा है, उसको अन्य दशा कहा गया। उसमें भी सा तथा भूत ज्ञेयादि शून्य शुद्ध पर शिव अवस्था अस्ति, तब भी इस समय में भी द्वैत की स्थिति में भी शिव तो जैसे के तैसे ही है, ऐसे कुछ नहीं हुआ। द्वैत भान काल में भी बारह हम लोग कहते हैं ना, सर्प का भान काल में भी रज्जु वैसे का वैसा ही है, रजत भान काल में भी शुक्ति वैसे का वैसे ही रहता है, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। इसलिए भाष्यकार ने ब्रह्म सूत्र का शुरू में लिखा है संबंध भाष्य में, इस संसार रूपी दृश्य का गुण दोष मात्र से लेश मात्रे न संबंधित है, इसके गुण दोष से उस आत्मा का लेश मात्र भी संबंध नहीं हो। सारा दृश्य चल रहा है जैसे आप पर्दे में देखते हैं, आग दिख रहा है, कहीं पानी बाढ़ दिख रहा है, आग के पर्दे ना गीला हुआ ना जला, पर्दे में सब दिख रहा, वैसे इस आत्मा पर सारा द्वैत के रहते हुए भी उस आत्मा का कुछ भी नहीं हुआ। ये ऊंट का दृष्टांत हम देते ना, इसीलिए ऊंट बाबा ने यही कहा, बड़े बड़े नगाड़े बजे हमारे पीठ पे, तुम्हारी डफली की आवाज से मेरे हृदय में कंपन थोड़ा हो जाएगा, डर जाऊंगा मैं। जिस आत्मा पर अनंत ब्रह्मांड कल्पित है, इस वर्तमान प्रदृश्यमान एक ब्रह्मांड से आत्मा का क्या बिगड़ेगा। इसलिए इस समय में वो आत्मा ही है, ब्रह्म ही है, शिव ही है। इस बात को कथन अगला श्लोक आरंभ कर रहे हैं, तथाभूत ज्ञेयादि शून्य है ना, तथाभूत माने घटादि रूपा जो ज्ञेय था, विषय था, इनसे शून्य जो स्थिति थी, क्या पहले थी, शुद्ध पर शिव अवस्था थी, वह इस अन्य दिशा में भी यह अस्थि, वह अब भी वैसा ही है। इत्याह इस बात को कर न परम तदवस्थायां व्यवस्थैषा व्यवस्थिता यावत् समग्र ज्ञानाग्र ज्ञातृस्पर्श दशास्वपि स्थितैव लक्षते साच तद्विश्रांत्या तथा फले। देर श्लोक के लिए आए, अन्वय उसी हिसाब से होगा। इसलिए पर और अपर के आविर्भाव न हुए काल में ही शिव अपना नित्य पूर्ण आनंद चेतन रूप में रहता है और बाकी काल बिगड़ जाता है, ऐसा नहीं सोचना कि बाकी दशा में भी वैसा ही रहता है। यह बात को बताने के लिए ये श्लोक आरंभ हुआ है। देखिए तद अवस्थायां व्यवस्था ऐसा न व्यवस्थित था, कहते जब तक अपर व्यवस्था रहती है, तो पहले अन्वय आप आगे से ले लीजिए, यावत समग्र ज्ञानाग्र ज्ञात स्पर्श दशासु अपि, वो पहले ले लिया तब घटेगा। जब तक समग्र ज्ञान ज्ञानाग्र ज्ञात स्पर्श, ज्ञान और ज्ञानाग्र क्या है, आठ नंबर टिप्पण देख लो, ननु पूर्वम, थोड़ा इसको पहले देख लो, तभी श्लोकार जमेगा। आत्मैव सर्वभावेषु कहा था आपने दूसरे श्लोक के आरंभ में, इत्यनेन स्वरूप पदार्थानां आत्माकार एव वेद्यताख्यो अस्ति शिव इति स्थापितम् तदेव समर्थनीयम्, उसी को समर्थन आगे करना चाहिए था, और आप एकदम आगे बोल दिए कोई संसार है ही नहीं, पहले जो भी संसार है ये संसार है पूरा शिव ही कह दिया, और फिर तीसरे चौथे श्लोक में आकर के संसार है ही नहीं, तब वास्तव में शिव की शिवता होती है कह रहे हो, विरुद्ध बात हो गई ना। कृतम अनया उक्त्या, क्या फायदा इस बात का कथन करके, सयदास्त इत्यादि तीन तीसरे चौथे श्लोक का इत्यादि क्या, ये तो प्रकृत में अपहाय अन्य ब्रूवते, प्रकृत को छोड़कर कुछ और ही बात कहने लग गए, पहले सारा संसार ही शिवे बोल रहे हैं, फिर एकदम कदे संसार संसार कुछ है ही नहीं, केवल शिव अद्वैत है, विरुद्ध बात हो गई ना। पहले तो आपने कहा संसार है और संसार शिव ही है, फिर कहते संसार है ही नहीं, जो है ही नहीं जब
जो उस समय पूर्णानंद पूर्ण प्रकाश अनुभूति होती वही वास्तव में शिव है। ये तो विरुद्ध बात आप दोनों कह रहे हैं। ब्रुवता उन्मत्त भाषणम, मारे पागल जैसे तुम बोले जा रहे हो। इति प्रकृत विघात आत्यम दोषम आशंक्य, इसे प्रकृत को आपने स्वयं अपने पैरों के कुलाड़ी पर मारने की जैसे स्वयं के कहे हुए बात को स्वयं काट दिया, ऐसे आशंका होने पर कहते न परमिति, तब श्लोक आरंभ हुआ है। ऐसा नहीं है, हमारे कहने का पहला श्लोक जो था केवल अद्वैत कथन किया, दूसरा श्लोक में भी अद्वैत का ही कथन किया था हमने, लेकिन अद्वैत कथन करने के लिए हमने इस तरह से अद्वैत प्रतिपादन किया संसार जो भी ये भी शिव ही होने से, शिव से अलग कोई संसार न होने के कारण से अद्वैत, उसे भी हम इस तरह से अद्वैत प्रतिपादन किया, शिव से अलग संसार न होने से अद्वैत, संसार काल में भी अद्वैत। फिर उसी को पुष्ट करने के लिए बात मैंने कही है, पहले श्लोक में संसार रहित अद्वैत वर्णन किया, दूसरे श्लोक में संसार सहित अद्वैत वर्णन किया, और तीसरे श्लोक में पुनः संसार रहित अद्वैत का वर्णन किया। तीसरे चौथे में शुरू और बकरोप समार क्या बने, इसे एक से चौथे में अद्वैत ही शुरू किया, बीच में संसार दशा में जो संसार में शिव जो कहा था उसको लेकर अब दोबारा में कहने जा रहा हूं। संसार दशा में भी ये सारा संसार शिव ही क्यों है, क्यों है संसार दशा में भी, तब हम इसलिए बताना चाहेंगे संसार को भी शिव ही कहने के लिए आपको पहले बताना पड़ेगा संसार दशा में शिव का कोई विकृति नहीं होगी, तभी तो सिद्ध हो पाएगा ये संसार भी शिव ही है। भाई चित्र दिखाई देते हुए काल में पहले आपको बताना पड़ेगा चित्रपट में है, और पट पर चित्र रहते वक्त भी पट यथावत है, ये जब तक सिद्ध नहीं करोगे तब तक आप चित्रपट से अलग कुछ नहीं है, अद चित्र भी पट ही है ये नहीं बता सकोगे आप। लेकिन क्रम उल्टा कर दिया इन्होंने, क्या करा पहले अद्वैत बोल करके चित्र को पट ही कह दिया है कि नहीं, फिर कहा वास्तव में चित्रपट में है ही नहीं, चित्रहित पट की अवस्था वर्णन कर दी, फिर कह रहे भी वो चित्र दशा में भी पट तो पट ही रहेगा, अतएव चित्रपट ही है करके आगे कहेंगे। वही प्रक्रिया अपनाई जा रही है चित्रपट के दृष्टांत के आधार पर ही ये प्रक्रिया अपना रहे हैं, पहले उनका पट ये केवल कुछ है ही नहीं, फिर का जो कुछ भी चित्र है वो भी पट ही है, फिर तीसरे चौथे ने कहा वास्तविकता तो है चित्राभाव दशा में जो तुमने पट देखा था वही पट का वास्तविक स्वरूप है, संसार अभाव दिशा में जो शिव है वही शिव का वास्तविक रूप है। अगर ये चित्र आने से क्या बिगड़ गया पट का स्वरूप, तब कहते नहीं नहीं चित्र अवस्था में भी पट जैसे के तैसे रहता है, उसी प्रकार से संसार दिशा में शिव जैसे के तैसे ही रहता है, ये कहना पड़ेगा, ये कहे भी ना आगे की बात जो है चित्र वास्तव में शिव ही है, चित्र पट ही है अगर संसार शिव ही है ये प्रतिवाद नहीं कर पाएंगे, इसलिए श्लोक को लिया जा रहा है, इसलिए कोई पौर्वापरी विरोध नहीं है। तत्र आदो शक्तिमत स्वरूपम एव व्यवस्थापितम तस्मिंश्च सिद्धे मूल कारणे अन्यत् वर्ण्यमानम निर्भित्ति चित्र न्यायेन अन्यथा घटमानम सत्सतीति भावः। कहने का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले इसमें हम क्या सिद्ध करना चाहेंगे, इस शिव में शक्तिमत्व है, वह शिव स्वयं परमशिव क्या किया शिव और शक्ति रूप धारण किया, तो परम शिव शिव और शक्ति हो गया, मैंने शक्तिमान शिव बन गया, ये पहले स्थापित करना व्यवस्थापित किया गया, फिर उसमें तस्मिन सिद्ध वो बात सिद्ध होने पर आपको मूल कारण पकड़ना है, अरे जब तक शक्तिमान शिव नहीं है तब तक कारण नहीं, केवल शिव कारण भी नहीं है, केवल जो परम शिव है वो न कारण है न कार्य, कुछ भी नहीं हुआ, हम लोग शुद्ध ब्रह्म ना अपूर्वम ना परम, इत है ना मंत्र पूर्व पर मैंने कार्यकारण भाव रहित है, बृहदारण्यकादि में कहा गया, इसलिए यहां पर मैं कहते शिव में क्या है वास्तव में कार्यकारण भाव नहीं था, लेकिन पहले शक्तिमत्व को स्थापित किया, क्या बोला
शक्तित्रय सामरस्येन। इसके मन क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं हम, शक्तिमत्व की स्थापना किया का मतलब हमने मूल कारणता सिद्ध कर दिया है। और उस मूल कारणे सिद्धे तस्मिंश मूल कारणे सिद्धे अन्यद् वर्णिमान, अन्य जो ये संसार जिसका वर्णन करने जा रहा है हमने, वो उसका वर्णन कैसे हो पाएगा तब, कहते निर्भित्ति चित्र न्याय। ये सारा संसार कैसा है, जैसे बिना भित्ति का चित्र है, बिना भित्ति का चित्र जैसा है, वैसे ही मानो अन्यथा घटमानम सिद्धति, अन्य प्रकार से घटना संभव हो पाएगा, नहीं तो सारा उल्टा हो जाएगा ना। बिना अधिष्ठान का जैसे कोई चित्र कल्पना नहीं हो सकती है, यहां बिना कारण का कोई कार्य कैसे आ जाएगा। इसे निर्भित तो कोई चित्र बना सकता है क्या, अधिष्ठान का चित्र बनाएगा क्या, नहीं। इसी प्रकार से बिना कारण का कार्य कहां से आएगा, इसे पहले उस परम शिव जो कार्य कारण से परे है उसे कारण स्थापना करना जरूरी थी। तीसरे और चौथे श्लोक के माध्यम से हम शिव ही एक जगत नहीं है, उस समय जगत के अभाव दशा में क्या है, कैसा है वो शिव, यह बताने के बहाने हमने वह शक्तिमत्व को सिद्ध किया। और शक्तिमत्व सिद्धि के माध्यम से हमने उसमें कारणत्व स्थापित कर, उस कारणत्व के बिना हम आगे कार्यकाल में भी शिव ही है यह बात कैसे कहता। लेकिन बिना कारण कार्य नहीं होता, जब कार्य नहीं है फिर कार्य के काल में भी शिव वैसे का वैसे कैसे मैं कहूंगा, कह नहीं सका। इसी वजह से ये व्यवस्था हमने जो दिया है उसमें कोई परस्पर विरोध नहीं है।